टी20 वर्ल्ड कप के सबसे बड़े हाई वोल्टेज मैच में पाकिस्तानी टीम को टीम इंडिया ने हरा दिया। टीम इंडिया पहले बल्लेबाजी करते हुए 119 रनों पर ऑल आउट हो गई थी, लेकिन इस मैच को भी पाकिस्तानी टीम जीतने में नाकामयाब रही और 6 रनों से हार गई। टीम इंडिया की इस जीत के बाद एक ओर जहां पूरे भारत में खुशी की लहर दौड़ी हुई है, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान में एक अलग सा गुस्सा दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद हफीज तो इतने खफा हैं कि उन्होंने पीसीबी पर हमला बोलते हुए कहा कि उनकी डील की वजह से पाकिस्तानी टीम की हालत खराब हो गई, जो वो लगभग बर्बादी की राह पर कहीं ना कहीं पहुंच चुकी है। मोहम्मद हफीज ने पीसीबी पर आरोप लगाया कि इन्होंने इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर के साथ एक डील की है, जिसकी वजह से ये सब देखना पड़ रहा है। हफीज ने कहा कि ये लालच में लेकर आए हैं इन खिलाड़ियों को, डील की है इन्होंने उन 3 बंदों से जिन्होंने पाकिस्तानी क्रिकेट को बर्बाद कर दिया। मैं घरेलू क्रिकेट में था तो कोई भी पाकिस्तानी टीम के लिए नहीं खेलना चाहता था, वो इसलिए क्योंकि वो कहते हैं कि हम में से कोई सिलेक्ट हो तो ठीक है, लेकिन जो पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलते वो कैसे टीम में आ गए। मोहम्मद हफीज ने आगे कहा, मैंने जब 4-6 महीने पहले इनसे कहा कि आओ पाकिस्तान के लिए खेल लो तो इन्होंने कहा कि नहीं, हमें नहीं खेलना, हम लीग क्रिकेट ही खेलेंगे। तो क्योंकि इन दिनों कोई लीग क्रिकेट नहीं हो रही तो उन्होंने वर्ल्ड कप में खेल लिया। वर्ल्ड कप भी वो लोग कहीं ना कहीं लीग की तरह ही खेल रहे हैं, या तो वो 4-5 सालों तक टीम से बाहर ना हो तो वो मुझे समझ में भी आता है। आपने मैसेज क्या दिया है पाकिस्तान के घरेलू क्रिकेटर्स को, जो हजारों लोग वहां मेहनत कर रहे हैं। हफीज ने आगे कहा, कामरान गुलाम बेस्ट बैट्समैन बन रहा था, वो फाइनल छोड़कर ही चला गया। उसने कहा कि मुझे बताएं कि मेरे शतक लगाने का फायदा क्या है, मैं फाइनल भी खेलूंगा शतक भी लगाऊंगा, मुझे क्या मिल जाएगा। हम लालची थे, हमें लगता था सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया।